हे गाइस, आज है 2 अप्रैल और टीवी के दीवानों के लिए हम एक बार फिर से लेकर आए हैं टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे टीवी का तड़का में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला और बताते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। सामने आई रुबीना दिलेक और पारस छाबड़ा के वीडियो सॉन्ग की पहली झलक। जी हां, एक्ट्रेस रुबीना दिलेक जल्द ही पारस छाबड़ा के साथ वीडियो सॉन्ग में नजर आने वाली हैं, जिसका पहला पोस्टर भी सामने आ चुका है। रुबीना पारस के इस पहले वीडियो सॉन्ग का नाम है गलत, जिसमें दोनों ही स्टार्स का लुक काफी कमाल का नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये सॉन्ग वायरल यूट्यूब चैनल पर 6 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में नजर आएंगे एक्टर सौरभ राज जैन। टीवी के पॉपुलर एक्टर्स में से एक सौरभ राज जैन को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि वो खतरों के खिलाड़ी 11 में नजर आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया को एक करीबी सोर्स ने बताया कि सौरभ ने हाल ही में शो को ज्वाइन किया है। वो टीवी इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हैं और शो में उन्हें देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। 44 के हुए कपिल शर्मा, स्टार्स ने भी दी खूब बधाइयां। जी हाँ, अपनी कॉमेडी से सबको लोटपोट करने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनके करीबी दोस्तों, स्टार्स और फैंस उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं। भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा समेत ढेरों स्टार्स ने उन्हें बेस्ट विशेष दी हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की है। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। तारक मेहता के जेठालाल ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। जी, जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। एक्टर ने गुरुवार को अपनी पत्नी संग कोरोना का टीका लगवाया है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर ना सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया बल्कि फैंस से एक खास अपील भी कर दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, असली मजा सबके साथ आता है। मेरी पत्नी और मैंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। अगर आप भी कोरोना का टीका लगवाने के लिए क्वालिफाई हैं तो जरूर वैक्सीनेशन करवा लें। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। नमक इश्का शो की इरावती को हुआ कोरोना, रुकी शो की शूटिंग। जी हां, खबरें सामने आई है कि नमक इश्का शो में इरावती का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा में कुछ दिन से कोरोना के लक्षण देखने को मिल रहे थे और इसीलिए उन्होंने अब अपना टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण मेकर्स ने शूटिंग रोकने का फैसला किया है और पूरी टीम को एहतियात बरतने के लिए भी कहा है और इसी के साथ अपना अपना टेस्ट करवाने के लिए भी। सभी के टेस्ट के नतीजों का अभी इंतजार है, लेकिन कुछ कलाकारों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है, जिसमें एक्टर आदित्य ओझा भी शामिल है जो शो में युग का रोल निभा रहे हैं। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। मोल्की की पूर्वी ने शुरू की शो की शूटिंग। पिछले दिनों खबर सामने आई थी कि मोल्की शो की मेल लीड एक्ट्रेस प्रियल महाजन कोरोना संक्रमित है, जिसके बाद वो शो की शूटिंग से ब्रेक पर थी। लेकिन लेटेस्ट खबरों की माने तो अब पूर्वी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और कोरोना फ्री भी, और उन्होंने शो की शूटिंग भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रियल के अलावा शो में विजेंद्र प्रताप सिंह का किरदार निभाने वाले एक्टर अमर उपाध्याय भी कोरोना पॉजिटिव हैं। टीवी का तड़का, सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज। पवित्र पुनिया ने अलीगोनी पर लगाया धोखा देने का आरोप। जी हां, पिंक विला के दिए इंटरव्यू में पवित्र पुनिया ने बिग बॉस के घर में दोस्तों से मिले धोखे पर बात की है और अली पर धावा बोला है। पवित्रा ने कहा, बिग बॉस 14 में मैं मेरे आखिरी हफ्ते के दौरान बहुत परेशान थी। मैंने देखा कि मेरे वो दोस्त जिन्हें मैं गेम में शो से भी पहले से जानती थी, जैसे कि अलीगोनी और निकी तंबोली, वो मेरे खिलाफ हो गए। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और इसलिए मुझ पर इसका असर ज्यादा हुआ। वो सब मेरे खिलाफ हो गए और मुझे नहीं पता क्यों। निकी कविता कौशिक के साथ थी और अली जैस्मिन भसीन के साथ। अली और राहुल वैद्य का भी बॉन्ड काफी सुंदर था। वेल, तो ये है आज की 7 खबरें। ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए क्रेजी 4 टीवी के साथ।